ये मैं लाल में आई हूँ, इस साल राखी बाद में 2024 की राखी है। और ये भाभी की भाभी है मेरी अनु, और ये छोटी भाभी है, ये मेरी बहन है। और सभी बच्चे तैयार होकर बैठे हैं। ये मेरा बड़ा वाला भतीजा, बड़ी भतीजी का एंगेजमेंट है, उसी के एंगेजमेंट में आने के 2 दिन बाद राखी का त्यौहार पड़ा है। और राखी के त्यौहार ऐसे यूँ ही जाने देते, फिर राखी में आके यहाँ धमाल तो मचाना ही है बच्चों के साथ। हाय प्रणव, नमस्ते, नमस्ते आदर्श, नमस्ते। और ये देखिए राखी की तैयारियाँ हो रखी हैं। ये मेरा भतीजा है, ये अनंत है, ये आयांश है, ये समर्थ है, और ये है मेरी बड़ी भतीजी जिसके एंगेजमेंट में मैं आई हूँ। और ये छोटी राखी के त्यौहार में मेरी छोटी भाभी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सालों बाद हम रक्षाबंधन पे एक साथ मिले हैं, एक साथ। बड़ी भाभी आप कहाँ जा रहे हो? नहीं, आओ बच्चों के साथ, बहुत अच्छा लग रहा है। आपका कैसा लग रहा है बताओ? हाँ नहीं, ये साल राखी का यादगार पल रहेगा हम सभी का। और अनु तुम कितनी बार में आई हो? दूसरी बार या पहली बार? पांचवी और छठी बार आई हो। सबसे अच्छा कब लगा तुम्हें? इस बार लग रहा है अच्छा, यहाँ पे सब साथ हैं। हाँ थोड़ी गर्मी तो है, थोड़ी नहीं भयंकर ही गर्मी है, पर बहुत ही अच्छा लग रहा है। गर्मी तो आती जाती रहेगी, पर ये पल चुराने लायक पल है, जो कि वीडियो और फोटो बना के चुराया जा रहा है। ये पल, ये है मेरी बहन, ये भी करनाल से आई है। एक और मेरी बहन थी गाजियाबाद, बिटिया को छोड़ के आई थी, पर उनकी नहीं, बिटिया की वजह से उसको जाना पड़ा। हम लोग बहुत ही मिस कर रहे हैं इस राखी पे, उसको आके चले जाना खल रहा है उसका। ये सन्नू है मेरी भांजी, प्यारी सन्नू करनाल से आई है राखी सेलिब्रेट करने, उसको बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये रन्या है, प्यारी सी गुड़िया, मीठी नन्नी को मिस कर रही है, कह रही है नन्नी क्यों नहीं आई यहाँ पे, नन्नी क्यों नहीं आई। ये दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। आयुषु, ये समर्थ है। हेलो समर्थ, कैसा लग रहा है? समर्थ क्यों उदास हो? चॉकलेटें मिला क्या बाबू को? चॉकलेटें मिला क्या? क्यों दुखी है? अब ये देखो प्रणव को राखी बताने जा रहा है, इनकी बड़ी बहन बांधने जा रही है। प्रणव रक्षाबंधन में आप क्या दे रहे हो दीदी को? कैश दे रहे हैं। आइए हमारे प्यारे जी, आ गए, आइए सरोज के बीच में। अरे मसी मामा जी, अरे तूने
अंदर के का त्योहार राखी का
ना भी ना अपनी कला बताओ।